करंट रेशियो का बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब देखो हम करते क्या है, मैंने पूछा बिल्डिंग, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकली नहीं आते, बस इंप्रूव इंप्रूव कर वो पूछने के लिए जाएंगे, इंक्रीज हुआ या बेकार हुआ। बिल्डिंग परचेज ऑन क्रेडिट 1 लाख, कुछ भी नहीं, वैल्यू कुछ नहीं दे रही। कंपनी का रेशियो है 2:1 करंट रेशियो, तो मैंने जल्दी से लिखा करंट रेशियो इक्वल टू 2:1, यानी करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी 2:1। भैया ने बोला था कि ये 2 लाख इसको लाखों में ले लेना, जो भी फिगर हो, 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख बिल्डिंग परचेज करी है। ओके, क्रेडिट पे यानी उधार पे, उधार बढ़ गया। कितने रुपए की बिल्डिंग खरीदना चाह रहे हो? 50,000 की बिल्डिंग खरीदना चाह रहे हैं। बिल्डिंग आ गई, बिल्डिंग क्या होती है मेरी? कौन सा सेट? फिक्स असेट। फिक्स असेट पढ़ा तो फिक्स असेट के करंट असेट को पढ़ाएगा, तो करंट असेट क्या रह गई? वही की वही रह गई, तो यानी 2 लाख 1.5 लाख डिक्रीज हो गया आंसर। तो ये चीजें भी गौर करनी होगी कि तुम्हें पता होना चाहिए वो करंट असेट है या करंट लायबिलिटी है। समझ में आया? एक क्वेश्चन और करके देखते हैं क्या करते हैं। परचेज बिल्डिंग ऑन लॉन्ग टर्म लोन, करेंट रेशियो इज इक्वल टू 2:1, क्या होगा? कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे चेक करते हैं। करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करेंट असेट अपॉन 2:1 इज इक्वल टू 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। अब चेक करो, बिल्डिंग करी थी, बिल्डिंग क्या होती है? करंट असेट को इफेक्ट करेगी। लोन क्या होता है मेरा? लॉन्ग टर्म लोन, करंट लायबिलिटी नहीं होती, उसको नहीं इफेक्ट करेगी, तो नो चेंज। अब मैंने आपसे पूछा, एक क्वेश्चन पूछा, परचेज स्टॉक ऑन कैश, इन कैश, सॉरी इन कैश, कैश में खरीदा स्टॉक, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी 2:1, 2 लाख स्टॉक आया आपके पास, कितने रुपए का? 50,000 रुपए का, और आपने क्या दिया उसको? पेमेंट दिया, तो 50,000 का पेमेंट चला गया। आंसर क्या आएगा? नो चेंज। आपने 2 लाख रुपए और 1 लाख, 1 लाख रुपए था, 50,000 रुपए का स्टॉक हो गया, तो 2.5 लाख का स्टॉक हो गया, आपके पास 50,000 का कैश चला गया, तो कितने का हुआ करंट असेट दोबारा से? 2 लाख का, 2 लाख डिवाइड बाय 1, 2:1। ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, समझ में आया? ऐसे ही क्वेश्चंस आते जाएंगे, करते जाएंगे, आते जाएंगे, करते जाएंगे, ट्राई करते रहो जितना भी है। कल मैं आपको क्वेश्चन नहीं दे पाया क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हो गया था। मैं क्वेश्चन लाओ, बुक दे दो। आज हम नया प्रोविशन पढ़ेंगे, नहीं अरे बना ही नहीं पाया यार, मैं रात को 11:30 1:30 12 बज गए थे मुझे। अब हम पढ़ने वाले सॉल्वेंसी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो में सबसे पहले आता डेप्ट अपॉन डेप्ट टू इक्विटी रेशो। थैंक यू डॉ। डेप्ट टू इक्विटी रेशो, ये कल हमने लिक्विडिटी रेशियो पढ़ा था। लिक्विडिटी रेशियो में कितने रेशियो पढ़े थे? 2, करंट रेशियो, क्विक रेशियो। आज हम सॉल्वेंसी रेशियो पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहले कौन सा पढ़ेंगे? डेब्ट टू इक्विटी। जो फॉर जो नाम है वो ही फॉर्मूला है। डेब्ट टू इक्विटी को ऐसे लिखोगे, डेब्ट टू इक्विटी को ऐसे लिखोगे, ये रेशियो होता है डेब्ट अपॉन इक्विटी। अब आपको हम समझा सकते हैं, बहुत बढ़िया। अब आपको हम समझा सकते हैं, इधर डेट किसके लिए यूज हुआ है? लॉन्ग टर्म डेब्ट के, लायबिलिटी के लिए। इसको नॉन करेंट लायबिलिटी भी बोलते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटी।
और जो इक्विटी शब्द हुआ पीछे भी पढ़ा चुका हूँ, इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इसका दूसरा नाम एक और हो गया शेयर होल्डर फंड। कुछ भी याद नहीं करना मेरे इसको डेप्टी, बस खत्म हो गया सब। भाई साहब अमीरल यहाँ से क्लास समझ में आ जानी चाहिए आपको, यहाँ से कुछ भी पूछिएगा, कोई लेन देन नहीं है। डेप्ट का मतलब क्या होता है, डेप्ट इक्विटी रेशियो है। डेप्ट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी होती है, जो एक साल से लंबे समय के लिए होती है। इक्विटी का क्या मतलब होता है, कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस को प्लस कर दो। अरे क्या बड़बड़ाते रहते हो भाई, दोबारा से मैं बोल रहा हूं, देखो दोबारा से बच्चे समझ लें, चेक करें। अगर आपको 8% डिबेंचर दे रखे हैं, बैंक लोन दे रखा है, तो दोनों क्या चीजें ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, कौन सी है ये नॉन करेंट लायबिलिटी, ये दे रखा है, तो आप इन दोनों को प्लस करोगे। अब आपको बोला हुआ है कि 8% डिबेंचर दे रखा है, बैंक लोन दे रखा है और नॉन करेंट लायबिलिटी भी दे रखी है, तो आप इनको इग्नोर करो, क्योंकि फॉर्मेट कुछ ऐसे होता है, नॉन करेंट लायबिलिटी के अंदर ये आते हैं डिबेंचर्स और बैंक लोन। अगर आपको ये दोनों दे रखे हैं केवल, तो प्लस करोगे, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पर आपको मेजर हेडिंग दे रखी है, बड़ी हेडिंग दे रखी है, तो आपको ये इग्नोर करना ही होगा। आपको क्या चीज इग्नोर करनी पड़ेगी, तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। When the subheadings and the major heading is given, then ignore the subheading. ठीक है ना, क्वेश्चन का कुछ इसी तरीके से आने वाला है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कर लो यार, टेस्ट दे लो, पढ़ लो, छुट्टियां मत करो। भाई ये कितना लड़की पढ़ 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 करती है, शर्मा हो जाती है। पढ़ा बच्चा, पढ़ाऊं बेटा, उतार लिया, उतार लिया भाई, जो आ रहा हूं, शादी करके आया ना तू, बोल अबे रुक जा भाई, मर मत। क्वेश्चन नंबर 38 आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अब चेक करो, पहले मैं बता रहा हूं आपको, चेक करें, शांत शांत शांत। ये देखो, ये शेयर कैपिटल का पार्ट है, ये शेयर कैपिटल का पार्ट है, ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, ये रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, ये आपका नॉन करेंट लायबिलिटी का पार्ट है, और आप इसको इग्नोर करोगे, करेंट लायबिलिटी का कोई काम नहीं है।
ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस करोगे तो इन सबको प्लस करोगे तो क्या आ जाएगी, और ये क्या है आपकी डेट। तो डेट अपॉन इक्विटी का फॉर्मूला लिखोगे आंसर आ जाएगा। बताऊंगा डेट अपॉन इक्विटी, इक्विटी अपॉन डेट नहीं है। आप सब लोग प्लस करेंगे पहले, कितना है ये देखो, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ये जो लिखा हुआ है ना ये 10% 5% आपको इससे मतलब है बेसिकली, मेन जो वैल्यूज आपको दे रहे। एक लाख, डेढ़ लाख, 1,95,000, 1,95,000, 2,15,000 है अपॉन अपॉन 75 डिवाइडेड बाय 2,15,000। फॉर्मूला लिखोगे नन्नी पूरा हर बार, डेब्ट अपॉन इक्विटी। आप अच्छा फॉर्मूले लिख के करेंगे प्लीज, फॉर्मूले लिख के करेंगे जो भी काम करेंगे। जीरो पॉइंट फाइव और फॉर्मूला चेक करो बाला, फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है, डेब्ट अपॉन इक्विटी। तुम क्या कर रहे हो, इक्विटी अपॉन डेब्ट। डेब्ट क्या होता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कितनी थी, देखो इक्विटी इक्विटी हमारी कितनी है चेक करते हैं, 1,00,000 प्लस 50,000 प्लस 45,000 प्लस 20,000 तो कितना हो गया 2,00,000। डेब्ट कितनी है 75,000 की, और जो 50,000 है वो करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी इज योर शॉर्ट टर्म डेब्ट, लॉन्ग टर्म डेब्ट नहीं होता है। और यहाँ पे डेब्ट का मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब फॉर्मूले में क्या है, डेब्ट अपॉन इक्विटी, तो 75,000 डिवाइडेड बाय, जीरो से जीरो कट गए, 75 डिवाइड बाय 125 कितना 0.34 जो भी लिखना चाहो 33 भी लिख सकते हो। तो क्या आप पीछे आंसर चेक कर रहे हो, 0.35 है। हाँ ठीक, कुछ भी लिख सकते हो। समझ में आ गया, जूम के बच्चों समझ में आ रहा है, जूम के बच्चे हैं ही नहीं क्लास में, आ रहा है, आ रहा है। हाँ भैया, और जैसे ये हो जाए तो आप 39th क्वेश्चन करो, बहुत जल्दी से होना चाहिए, बहुत बेसिक क्वेश्चन है 39, हटा दो ये सवाल। अच्छा 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 ठीक है। अब ये बहुत इजी है, पर ये बैलेंस शीट से बन पाएगा, केवल बैलेंस शीट अगर आती होगी तो बैलेंस शीट से बन जाएगा, बैलेंस शीट से बनेगा। बना हो गया आंसर, चेक करो। टू रेशो वन आंसर है। बहुत बढ़िया, जैसे ही हो जाए 40 करो। ये बैलेंस शीट से हो पाएगा, यही वाला इसका 2:1 बैलेंस शीट से हो पाएगा ये। बैलेंस शीट बनाई तुमने, कैसे करो चेक करो।
दोबारा से आप सोच रहे हो बैलेंस शीट तो भैया फालतू की बोलने कोई यूज नहीं, आप चेक करो तुम्हारे सामने यूज आएगा इसका। टोटल असेट कितने के दे रखे हैं मेरे को 12 लाख, तो टोटल लाइबिलिटी भी कितने की हो गई, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी करेंट लाइबिलिटी, ठीक है, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है टोटल, टोटल डेब्ट कितने का दे रखा है मेरे को 10 लाख का। 12,50,000 में से 10 लाख रुपए चले गए तो बाकी के कितने बचे 2.5 लाख, और बचे किसके लिए, ये शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस के लिए, इसको इक्विटी बोलते हैं। तो इक्विटी तो आ गई आपकी 2.5 लाख की, और आपके अब चलो करंट लायबिलिटी कितने की दे रखी है 5 लाख की, 10 लाख अगर टोटल लायबिलिटी दे रखी है उसमें से करंट लायबिलिटी 50,000 माइनस कर दो तो कितने बचेगी नॉन करंट 5 लाख, 5 लाख डिवाइडेड बाय 2,50,000 2:1। नहीं समझ में आया तो दोबारा समझाएंगे, चेक करते हैं दोबारा से समझते हैं, दोबारा से समझते हैं, जल्दबाजी का सौदा नहीं, दोबारा समझते हैं। चेक करो टोटल डेब्ट कितना दे रखा बेचा 10 लाख, टोटल असेट कितने दे रखे हैं 5 लाख। इसको सॉल्व करते हैं तो पहले ध्यान रखो टोटल डेब्ट, टोटल डेब्ट का मतलब क्या होता है नॉन करेंट लायबिलिटी प्लस करेंट लायबिलिटी, टोटल डेब्ट कितने का देगा 10 लाख का, नॉन करेंट लायबिलिटी कितने की देगी एक्स, करेंट लायबिलिटी कितनी देगी, तो नॉन करेंट लायबिलिटी कितने की निकल के आ गई 5 लाख। अब मैं बैलेंस शीट बना लू, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस शेयर कैपिटल नॉन करेंट लायबिलिटी करेंट लायबिलिटी इक्वल टू टोटल लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी कितने की दे रखी है 12,50,000, कैसे पता 12,50,000 की दे रखी है क्योंकि टोटल एसेट कितने की दे रखे हैं, जो टोटल एसेट होते वही टोटल, अब चेक करते जो जो चीजें हैं वो रखते, नॉन करेंट लायबिलिटी कितने की है 5 लाख की, करेंट लायबिलिटी कितने की है 12,50,000 में से 10 लाख चले गए तो कितने बचे, अब 2,50,000 इन दोनों के लिए है ना, और इन दोनों को बोलते क्या है हम इक्विटी, हमें चाहिए क्या था इक्विटी और डेब्ट, डेब्ट कौन सी चीज होती है, ये होती है डेब्ट, एक बार ध्यान रखना टोटल डेब्ट इज नॉट इक्वल टू डेब्ट, डेब्ट अलग होता है टोटल डेब्ट अलग होता है, डेब्ट लॉन्ग टर्म के लिए होता है, टोटल डेब्ट लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों को जोड़ते, अब चेक करो आंसर क्या चाहिए था मेरे को, ये चाहिए था और ये चाहिए था, डेब्ट अपॉन इक्विटी 5 लाख अपॉन 2:1, इस तरीके से इससे हो गया ये क्वेश्चन। अब इसका एक अगला क्वेश्चन करो कैपिटल एम्प्लॉयड वाला, क्या अभी वो सबका ये उतार लिया सबने, उतारने दो उतारने दो, बुक पे कर लो ना, तुम्हारा हो गया अगला, बैलेंस शीट से हुआ फिर बैलेंस शीट से हो रहा है ये आ रहे हैं ना, अगर बिना बैलेंस शीट को भी अगर दिमाग में चलोगे तो समझ में आ जाएगा कैसे करना, हटाऊं कराऊं, लिख लिया, पौधों को तो समझ में ही नहीं आ रहा होगा अभी, कराऊं हाँ कर लो, शादी तो बहुत लग्जरी करी थी तुमने भाई, तुम लोगों ने वहां पे रायपुर में, रायपुर कहाँ हैदराबाद, कैसा शहर है, और एक एक दिन की शादी थी या फिर 2-3 दिन का प्रोग्राम है, ये कह रहा कि हुआ आया ये बल्ली, उस दिन मैंने पूछा कि वो तो हुआ आया शादी कराया,
अब सब खत्म कुछ सब लोग गए थे तुम्हारे घर से दुकान पे फ्लाइट से गए थे किससे गए थे पहले भी गया हुआ फ्लाइट से या पहली बार कैसा लगा बहुत ही बोरिंग होती है फ्लाइट फ्लाइट जाना बहुत ही गंदा होता है ऐसे ही रहता है क्या करो गधों की तरह हाँ मतलब एक्चुअली क्या होता है जब तुम रोड पे चलते हो ना तो पेड़ चलते हैं तो लगता है सब चल रहा है उसमें प्लेन जब बादलों से ऊपर हो जाता है ना तो ऐसा हो जाता है और आगे तो बढ़ रहा कुछ भी चीज आगे से चलती हुई नजर नहीं आएगी तो लगेगा नहीं कि तुम चल रहे हो वहीं पर स्टक रहे हो बट सबका ड्रीम जरूर होता होगा हमें कहते ना फ्लाइट पे बैठने का है ना जो फ्लाइट पे नहीं बैठा हुआ सबका ड्रीम है मुझे तो बहुत गंदा लगता तो बड़े लोग हो तुम यार तुम कहाँ यार रशिया जा रही है फ्लाइट से तो कान गुम नहीं होंगे तो क्या होंगे 40 क्वेश्चन 40 ध्यान रखना कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला याद रखना रिजर्व एंड सरप्लस शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी ये तो बहुत इजी 6/2 3:1 कर अगर तुमने वो बना दिया लायबिलिटी वो बैलेंस शीट पक्के से आंसर है कितनी जल्दी आंसर है तुम्हारे स्क्रीन पर मैं करके दिखाता हूं चेक करो रिजर्व एंड वो शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी करंट लायबिलिटी इन तीनों को मिला के क्या बनता है कैपिटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का दे रखा है मेरे को छोटा कैसे होगा कितने दे रखा है 8 लाख ठीक है शेयर होल्डर फंड क्या होता है वो ये होता है शेयर कैपिटल और रिजर्व सरप्लस ये कितने की दे रखी है आपको 2 लाख की चेक करो ये दोनों 2 लाख की दे रखी हैं और ये पूरा का पूरा कितने का दे रखा है तो नॉन फिर किसी ने बदतमीजी करी चेक करो दोबारा से शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी इन तीनों का टोटल आपको 8 लाख देगा क्यों इन तीनों को हम क्या बोलते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है ना आपको शेयर होल्डर फंड का टोटल देगा शेयर होल्डर फंड क्या होता है ये दोनों इसका टोटल क्या है 2 लाख तो कुछ अभी बहुत लॉजिकली बता रहा हूं थोड़ा सा चेक करना कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या बोलते हैं हम शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस जिसको ना समझ में आ रहा उसके लिए शांत अभी दो मिनट रुक जाओ इक्विटी का फॉर्मूला क्या होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस शेयर कैपिटल तो शेयर कैपिटल कट गया रिजर्व एंड सरप्लस कट गया तो बाकी का बचा कितना हुआ नॉन करंट लायबिलिटी अब कहने का क्या मतलब है 8 लाख में से करंट वो थे ना 8 लाख क्या थे कैपिटल एम्प्लॉयड उसमें से इक्विटी माइनस कर दो इक्विटी कितने की थी तो जो बचा वो क्या बचा नॉन करंट लायबिलिटी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला बन भी गया फॉर्मूला बन गया एक अब ठीक है अब हमारा फॉर्मूला क्या है इसका डेप्ट अपॉन इक्विटी डेप्ट कितनी दे रखी है 6 लाख की इक्विटी कितने की दे रखी है इक्विटी कितनी दे रखी है ये दोनों चीज इक्विटी होती है ये 2 लाख तेजी है लाइव अगर तुम्हें बैलेंस शीट समझ में आ गई दोबारा से समझाऊं हैं दोबारा से समझा देते हैं एक और बार देखो बस एक आईक्यू लेवल का क्वेश्चन पूछते हैं सोच समझ के जल्दबाजी में हड़बड़ी में ऊटपटांग आंसर नहीं देने समझ लेना चाहे 5-10 मिनट ले लेना लेट करना शेयर कैपिटल
रिजर्विंग सरप्लस और नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी, दोबारा से पूछ रहा हूं, इन तीनों को क्या बोलते हैं, इन दोनों को क्या बोलते हैं, एक कुटे बोलते हैं नहीं बोलते हैं। अब मैं दोबारा से सर्किल बना के बोलूंगा, अब ये सारी चीज याद हो गई तुम्हें, अब मैं हटा रहा हूं। ये ब्लू सर्किल है, इस ब्लू सर्किल में से अगर मैं ये येलो सर्किल माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, यही तो बच रहा है ना, ये ग्रीन वाला, ये वाला कुछ और रंग दे दें इसको, लाल दे देते हैं, ये वाला काला हो गया, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। दोबारा से समझ में आ गया ना, मतलब अब मतलब क्या समझो, मतलब है ये समझो यार, शेयर कैपिटल, रिजर्वेंस सरप्लस, नॉन करेंट लायबिलिटी, ये तीन दोस्त हैं, इन तीन दोस्त के गैंग को हम कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। फिर क्या किया, ये दोस्तों ने अलग गैंग बना लिया, इसको बोलते हैं इक्विटी। जो तीन लोगों का गैंग था उसमें से जब दो लोग चले जाएंगे तो बचे कौन सा, अकेला बचा, उस अकेले का नाम कोई गैंग होता है, गैंग तो सबके मिलके होता ना, तो इसको नॉन करेंट लायबिलिटी। इससे बढ़िया क्या समझाऊंगा मैं, अरे ऑब्वियस ही बात है, अरे सुनो, रिचा स्नेहा एंड साक्षी का गैंग है, वी कॉल इट ब्लूबर्ड गैंग, उसमें से स्नेहा और साक्षी बहन बहन का गैंग बना लिया उन्होंने, फिर कौन अकेला बेटा, रिचा बड़ी ना अलग, यही था कैपिटल एम्प्लॉयड में तीन जने थे, इक्विटी में दो जने थे, उन दो जने अपना गैंग बना के निकल गए, तो बचा कौन था, जो आखिरी बचा, वो आखिरी कौन बचा था, नॉन करेंट। अब इससे भी ज्यादा कुछ और बताओ, ठीक है, दैट्स इट फॉर माय साइड, आज इसके क्वेश्चंस करते रहना।